एक इवेंट हम लोगों ने और रखना है जी, वो है जी मेरा ब्राइडल शावर। शावर तुझे मैंने ही लेना। मम्मा फिर शावर पे आ गई है यार। उसके कमरे में एक अलग ही सुरूर है। क्यों स्मेल है मम्मी? ये ऐसे लग रहा है आपने अम्मी का थान निकाला और उसको गोल लपेट लिया। बाहर बस 4 लाख का जोड़ा गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मेरा ख्याल से इंतहाई खूबसूरत है। किसी के 12, किसी के 13, कितने हैं? 6। इसके 30 में से 6 राबिया। आंटा मार दिया। वेरी ब्यूटीफुल डे। दिन मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे काफी सारे काम जो है वो निपट चुके हैं। अभी मेरा एक चीज, एक इवेंट हम लोगों ने और रखना है जी, वो है जी मेरा ब्राइडल शावर। ब्राइडल शावर के लिए मैंने, मुझे एकदम से याद आता है कि मेरे पास ड्रेस ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने उसके लिए बनने के लिए दिया हुआ ही नहीं है। मेरे सर पर टेंशन एक और सवार हो गई है, तो मुझे अभी जाना है एक डिजाइनर के पास, थोड़ा मेजरमेंट्स करानी है और एक दो जगह से चेक करना है कि मुझे कहाँ से अपना ड्रेस बनवाना चाहिए। उससे पहले मुझे तैयार होना है, जाना मैंने अरीब के साथ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये देखें, ये मानो मोहतरम के कमरे में किस तरह से कपड़े लटके हुए हैं। सर्दी बहुत हो गई है, सो आई विल चूज दिस आउटफिट। ये जरा मोटा मोटा है ना, और साथ ही पैंट भी अंदर ही मेरे ख्याल से वो करी हुई है, तो आई विल गो विद दिस आउटफिट। अब इसको हम करेंगे प्रेस श्रेस। नाश्ता मैंने गाइस कर लिया था। इस कमरे में वाकई में एक अलग किस्म का सुकून है। मेरा ये सुकून और अच्छा हो सकता है अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल ही ना सब्सक्राइब किया, तो वो सब्सक्राइब कर दें, फिर मैं बहुत ही बिंदास हो जाऊंगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अभी चलते हैं कपड़े प्रेस और रेडी होके आते हैं। चलें जी, मैं हो गई हूँ तैयार फुल 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 फुल। ये देखें जी, अब नीचे जाके अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। अभी चलते हैं हम लोग नीचे। चलो जी, मैं नीचे आई हूँ तो घर पूरा साफ है। आज तो मम्मा बिल्कुल सोफा पे बैठी हुई हैं और कॉल पे लगी हुई हैं बातें करने। यकीन नहीं, अब्बा से बातें कर रही होंगी और हाथ में है इनके कॉफी। डॉक्टर फैसल से बातें करती हैं आप छुप छुप के? तो किससे करूँ, तुमसे? मम्मा तो बड़ी रीब से बातें, हेलो हेलो तो हमें करने भी नहीं करने दो यार, अब तो बच्चे बड़े हो गए, बातें ही करनी है। करें करें, काली कॉफी पिए, पतली हुए, स्मार्ट हुए, फ्रेश हुए। कौन कहता है बंदा बूढ़ा हो जाता है कॉफी पी के, बंदा जवान है। हाँ, बुढ़ापे का आखिरी सहारा कोका कोला की शक्ल की कॉफी पी है मेरी अम्मा। कॉफी मैंने कोक छोड़ दी। छोड़ दी है? मम्मा मैंने तो काफी अरसे छोड़ी। देखो कोक जैसी लेकिन फायदे बड़े देती है। मम्मा मैंने जाना है अपना ब्राइडल शावर का ड्रेस लेने के लिए, मतलब ऑर्डर करना है। पहले फातिमा ने कहा कि ब्राइडल शावर पे वो जो शादीशुदा नहीं आते, मैं नहीं आऊंगी। आएंगी, आपके बगैर मैं कर सकती हूँ कोई इवेंट? कोई कर सकती हूँ। इस बेटी पे यकीन होना चाहिए, आप बाकियों की बातों को छोड़े। शावर तुझे मैंने ही लेना। मम्मा फिर शावर पे आ गई है यार। मम्मा को मैं नहीं समझा सकती, मम्मा हमेशा यही, शावर तुझे मैंने, मम्मा ने मेरे डब्बे पकड़ी है, नलाई देना है। शावर का मतलब होता है ऐसे प्यार करना। हाँ, शावर योर लव एंड ब्लेसिंग। अरीब की कॉल आई थी एंड ही सेड बाहर आ जाओ, ठीक है। अब मैं जाके बाहर चेक करती हूँ, बाहर कोई नहीं आएगा हमेशा, मुझे 5 मिनट पहले उसको पता है मैं लेट हूँ, लेकिन आज मैं ऑन टाइम हूँ। आज मेरी गाड़ी गई हुई थी साफ होने के लिए, अरीब सुबह मेरे घर आए थे और मेरी गाड़ी को सफाई करवाने के लिए लेके गए हुए थे। आप मेरी सुबह सुबह गाड़ी लेके गए सफाई करवाने के लिए? साफ हो गई है ना? देखो यार, तो ख्याल नहीं आता यार, ये देखो कितने लश्कारे मार रही है यार, मतलब सीरियसली पड़ी हुई थी, मैंने चलाई नहीं तो मैं कैसे साफ करती यार। मुझे लगता है ये साथ में एक और गाड़ी आ गई है। इसमें कौन है? इसमें अरीब, इसमें यकीन राबिया होगी। पापा राबिया को ही लेने गए थे, इनसे मिलके आती हूँ मैं। चलो जी, गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी, अब 4 घंटे लगेंगे, इसमें से सिर्फ पापा निकले हैं। वेयर इज राबिया? राबिया नहीं आई? आप तो कहते मैं राबिया को लेने गया हूँ 5:30 बजे। हाँ ठीक है, चलें जी, अरीब साहब और अबू से मिलेंगे। तुम कहाँ से निकली हो है? तुम तो थी नहीं आज ऊपर अपने कमरे में, ये भी आई है यार। मैं आज इसके कमरे में रेडी हुई हूँ, पता है आपको, इसके कमरे में एक अलग ही सुरूर है। हाँ। जिधर इसने आज घर में स्मेल है। पापा हमेशा रोज करने को ही जुतियाँ पड़ी, 250 जुती पड़ी, उसकी स्मेल आ रही है। ओके बाय मानो, आ जाओ हम लोग मेरा ब्राइडल शावर का ड्रेस करने, इफ यू वांट तो आ जाओ। 2 मिनट लगा, जल्दी आ। फिर अरीब आप तब तक अंदर आ जाओ, कुछ खाते पीते हैं, एप्पल शैपल। हाँ एप्पल शैपल फ्रूट शूट खाते हैं। ये देखो जरा, ये वैम्पायर को हम तैयार करके लेकर आए, वैम्पायर तैयार होके। अरीब उसने हुडी पहनी हुई, आपकी हुडी पहनी है, वो मार्क हो रहा है। अच्छा हाँ, मानो मार्क हो रहा है, मार्क हो को मार्क हो की अच्छी पहचान होती है।
चलें जी, अभी हमें एक और लड़की ने ज्वाइन कर लिया है स्ट्रेट। ये कौन सा लड़का? ये देखो ब्यूटी 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 फातिमा, कितना प्यारा ड्रेस है, पता नहीं किस एलीट लेडी का है। चलें जी गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। तुम किस खुशी में साथ जा रही हो फातिमा? कपड़े देखने। तुमने मेरे कपड़े मेरे लिए सिलेक्ट करने हैं क्योंकि तुम मेरी अच्छी बहन हो। मैं बताती हूँ यार, क्योंकि ये वेली इंसान है। यार मैं वेली, मैं नो लेस देन अरीब के कपड़े भी आते। अरीब आप ब्राइडल शावर पे आएंगे? मैं क्यों आऊंगा, वो उसको लड़की को होता है। क्या होता है अभी जिसमें तू जिसमें ब्राइड नहाती है, वैसे कभी तो नहाती नहीं है। ये बंदा कभी मुझे मेरे अब्बा के साथ मिलके रोस्ट करता है, कभी मेरी अम्मी बन के मुझे रोस्ट कर रहा होता है। अरीब आप बिना वैसे वही बातें करते हो ना मेरे अम्मा अब्बा मुझे कर रहे होते हैं। यार ये सही, आप बैचलर्स पार्टी करने वाले हैं फिर? मैं हाँ, मैं मेरे दोस्त करेंगे, वो तो मेरे दोस्तों में लेकर दो यार, मेरे जो दोस्त हैं। हाँ अरीब के दोस्तों प्लीज, मैं अपना ब्राइडल शावर तो खुद ही कर रही हूँ और अरीब का भी। अरीब अपनी बैचलर्स में मुझे बुलाएंगे? मैं क्यों बुलाऊंगा, मैं आना चाहती हूँ ना। आई जस्ट रियली वांट टू सी के ब्राइडल शावर में मुझे बुलाया। मैं आपको बुला तो रही हूँ लेकिन मैं नहीं आना चाहता। यार नहीं, मतलब लड़कों की लड़कियों को होता है कि अच्छा इसने बैचलर्स पार्टी पे क्या किया होगा, मुझे फिर क्या, मैंने क्या करना, हमने क्या करना, मैं नहीं करता। अच्छे बच्चे हो ना? हाँ, अच्छा बच्चा। हाँ, क्या निकाह पहले हुआ मैंने। चलो गाइस अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन से फंक्शन पे क्या पहना जाता है, क्या सीन पार्ट होता है, कपड़े शपड़े सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमने क्या सिलेक्ट किया है। ये अभी हम पहुंचे भी नहीं है तो आधे रास्ते की मोहतरमा सो के उठी थी और ये सोई हुई है। उठाओ इसको फातिमा। ये नींदे पूरी करने आई हो मानो? मानो ने कहना ना मेरा सूट लेना ना कुछ, मैं बहनों की मेजरमेंट देने के लिए बैठी। मानो को इतनी नींद आई हुई है कि मानो ने ये देखे, मानो मैडम ने पाँव इधर रखे हुए हैं अपने आप को कंफर्ट करने के लिए और हम यहाँ पे फंसे हुए फुल ट्रैफिक में, ठीक है, जिसकी वजह से अभी तक अभी हम लोग पहुँचे नहीं है। भाई सालियों को फूल तो ले दे। ये ले, ये ले, ये ले। अभी बस सालियों को, बहुत शुक्रिया। ओहो हो हो, चले जी गाइस फाइनली हम लोग गए यहाँ पे पहुँच और अंदर चलते हैं। चलो उतारो ये सोई भी उठ गई है मानो। हाँ। चलो उठ जाओ, चलो गर्ल्स। अरे पार्किंग करके फिर आएंगे हम लोग, पहले पहुंचते हैं। बस हम लोग फाइनली यहाँ पे गए हैं पहुंच। यहाँ पे जो है ना वो काफी 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 कपड़े लगे हुए हैं यार। अच्छा यहाँ पे काफी आर्टिकल्स हैं यार, बट इट्स आई थिंक इट्स वेरी हैवी फॉर ब्राइडल वन ना। ये ब्राइडल शावर के लिए काफी हैवी है लेकिन इनकी एम्बेलिशमेंट बहुत अच्छी लग रही है मुझे। मतलब ये देखिए इस तरह के बाजू। तो गाइस मैंने ये वाला ड्रेस ट्राई किया है फॉर ब्राइडल शावर, मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है फॉर रिसेप्शन। अरीब आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसा लग रहा है? ये ड्रेस प्यारा है, ड्रेस है नहीं, ये प्यारा है लेकिन ये वलीमा टाइप वाइब है, ये टाइप है। ब्राइडल शावर पे ऐसे नहीं अच्छा लगता। हाँ। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैंने पता नहीं कितने ब्राइडल शावर अटेंड की। लेकिन नहीं ये वो नहीं, बी अ डिजाइनर, आप मेरे स्टाइलिस्ट भी हो, मेरे डिजाइनर भी हो, मेरे वार्डरोब। तो ये नहीं अच्छा लग रहा ब्राइडल शावर के लिए, कोई और पहनो बस। ओके बस अब डन हो गया, अब कुछ और। चले जी ये मानी मानो देखे लपेट के आ गई है। मानो सर चल के दिखाए इसमें, चल के हाँ जरा चल के दिखाए। ओए 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 गई, ओए गई, ओए गई, अरे फट लो मानो। ये ऐसे लग रहा है आपने अम्मी का थान निकाला और उसको गोल लपेट लिया है बाहर। मैं क्यों चुप करूं, देखो जरा ये तो गिरोगी तुम मेरे वलीमे पे। ये दांत पहले आगे अंदर है बाकी अंदर चले जाएंगे। गाइस मेरा जो है वो ब्राइडल शावर का जो ड्रेस वो ये डन हो चुका है, ठीक है। इस मोहतरमा ये देखो इसने बिल्ली पहन के अपने यहाँ पे जो है वो चीजें अपने लॉक करवा ली है। मानो आपने फाइनल किया? इस चीज क्या कोई फाइनल दोबारा हीरा पीरा लाऊंगी फिर? इसके ऊपर वाले के परफेक्ट थे बट मैं इसको उस तरह से नहीं ले पा रही अभी भी। मैं अगर उनको दे दूंगी तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी मेरी, ठीक है, इनर सेटिस्फेक्शन। चलो साइज देना इसने अपना। इवेंट की डेट बता दें क्या आप लोगों को? अच्छा बड़े चला करे, कैमरा बंद करने दो मुझे जरा, सियाने लोग। मानो उसका रेट देखो 4 लाख रुपया और अपनी जाके शक्ल देखो, वो शीशा लगा वो उधर, जाओ जाओ और अपनी शक्ल देखो। तुम दुल्हन की सबसे छोटी बहन हो, तुम दुल्हन की सबसे छोटी बहन हो, ये दुल्हन नहीं हो तुम। 4 लाख का जोड़ा गाइस मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मेरा ख्याल से कोई इंतहाई खूबसूरत है ये वलीमा ब्राइड के लिए, जिसपे मतलब ओरिजिनल स्टोन्स लगे हुए हैं। 4 लाख रुपए और ये जोड़ा जो दुल्हन ने वलीमे पे पहना है वो 4 क्या ससुराल वालों का ज्यादा खर्चा है और अम्मी अब्बू का कम खर्चे के लिए उन्होंने आपको दिया है 3.5-3 लाख 10 हजार में ये वाला जोड़ा। यार गाइस हमारे फाइनली यहाँ से हो चुके हैं ड्रेस सिलेक्ट। मेरा कौन सा ड्रेस? 40 लाख वाला ना दिखाना। हाँ ये ड्रेस बहुत प्यारा है। हाँ लेकिन ये प्यारा ड्रेस है, ये अच्छा है। वाह नाइस, दिखाओ
सारे तुम काले कपड़े क्यों निकाल रही हो? नहीं, काले कोले कपड़े क्यों पहन कर आ गई? हाँ, ये सारे ब्लैक क्यों निकाल रही हो फातिमा? अरे मेरी बात सुने, मुझे एक ड्रेस इस ब्लैक में से आपने लेके देना है। ब्लैक अच्छा है। अच्छा है ना? चले इधर आए, आपको प्राइस दिखाऊं। प्राइस तो दिखाऊं, इधर आओ, इधर आओ। फातिमा सारी को 70 लाख वाला सूट दिखाओ। 70 लाख? ये 48,000 का झूठ बोलिए, जान के आप 40-70 लाख, आप 7 लाख लेंगे, 70 लाख इधर, बाकी का जेब में। 70,000 का बीवियाँ, कितना एक्सपीरियंस है बाकी दुनिया की बीवियों का, अरीब को पता है ना। अरीब देखिए, तो इकरा लिखा हुआ है ना, मुझे भी यही लगा था, ईरा है। चाय पिए, वो कह रहे चाय आ गई है। चाय आ गई है गाइस, हमारी चाय ठंडी होगी, इतना हमने उनको खपाया और लेकिन चाय हमें पिला रहे हैं। वाह वाह वाह, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की भाई, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। मानो को हमसे गिला है कि आपने जो है ना वो इसको जबरदस्ती हम लेके आए हैं, ठीक है? क्या कह रही है? मैंने पूछा था आपने आना है, आपने कहा जबरदस्ती तो नहीं मैंने। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती ठीक करती हूँ, ये देखो अब जबरदस्ती अच्छी लग रही है। इतनी ये मीन लड़की है यार, मुझे खाने भुखड़ भुखड़। चलो जी, अब जो है वो हम अपना चाय शाय पीते हैं, फ्राइज वगैरह खाते हैं। अरीब आपने तो पतला होना था फ्राई, फिर अरीब खाऊंगा नहीं तो वैसे ही पतला, ज्यादा पतला हो जाऊंगा। अरीब आपने एक चीज नोटिस की है, क्या यहाँ हम किसके लिए आए थे? हम सबके लिए आए थे। नहीं 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 नहीं, आपको किसने भुड़का था कि इकरा के? ठीक है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इस टिंडर ने टाइम लगाया। अब अंदर घुस गई, बाहर निकलो ना सरा, निकलने का रास्ता भूल गई। निकलना, ये देख सर, सबसे ज्यादा इसने टाइम लगाया। चलो 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 चलो, 1 2 3 1 2 3, सब बच्चों को निकाल दिया है बाहर। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, अगर हमें रास्ते में कोई और आउटलेट नजर आया तो हम वहाँ पे भी जाएंगे, साइज दे आएंगे, लेकिन कपड़े नहीं लेंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग यार किसी के साथ। चलें जी, अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, और खाने वाली लोकेशन पे हम लोग गए हैं जी, पहुंच। मानो मोहतरम को पता नहीं क्या हुआ, गंदगी, हमेशा गंदगी को ही लगती है ना यार। गाइस मैं अभी कॉल पे थी, और बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल पे थी, ठीक है, और मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही खाना उन्होंने ला के रखा है, ये क्या तेल हटा, की सोच इतने स्पाइसी थे मेरा अभी तक मुँह जल रहा है। ये तो तेल, देखने में तेल लग रहा है लेकिन ये तेल नहीं है, ये मिर्च है। या ना करो फातिमा, ये क्या था? चैलेंज देती हूँ, खाओ। थप्पड़ मारूं तुम्हें? मरे अपने भाई, नाक में आ रही है, मुझे कह रही चैलेंज। ये देखिए, ये तो इन्होंने खाली कर दिया, बस ये बचा है मेरे लिए यार। अरीब आपने आपने भी नहीं मेरा ख्याल रखा यार। नहीं बस ये नहीं खाओ आप, क्रंची चिकन गाइस। हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अब हम लोग जा रहे हैं, सीधा निकलने लगे हैं घर के लिए, सब जो है वो बैठ रहे हैं। चलो जी चलते हैं घर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर, अब बस घर जाते हैं और अम्मा से मिलते हैं। घर आ गई हूँ, मम्मा पापा यहाँ बैठे हैं, फोन यूज, अभी क्या तो पापा कहते हैं मैं फोन नहीं यूज करता, पिछले व्लॉग में देखो। इतने काम किए हैं आज मैंने। क्या किया आपने आज? बड़ा काम किया, बड़े काम किए हैं। अरीब ने भी बहुत काम किया, सुबह से काम करवा रही हूँ पूरा दिन। आज क्या करते रहे हम भला, कपड़ों की हेरा फेरी। आप जा रहे हो? ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जैकेट्स पहनना शुरू कर दें आप, पता लगे अपनी शादी पे ठंड लगवा के बैठे हुए आप। चलो ओके बाय बाय। ये मानो मोहतरम आते साथ ये भी फोन पे लग गई है, और ये तो पहले से ही बिचार काम करते हुए असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। तब तुम्हें कुछ जिंदगी का काम है? हम लोग कपड़े फाइनल करके आए हैं, तुम्हें कोई होश नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी है। अब एक चीज पे असली रहा है, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट के लिए। आज यूनिवर्सिटी में मम्मा को ना मैंने कहा कि मुझे एक लीड चाहिए, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होना किससे मांगते हैं कि दूर का हमारे एक्सटेंशन देखो किस। सारी क्लास हंसी है, देखो एक्सटेंशन देखो, इतनी लंबी मम्मा। अब तुमने कहा था कि जितनी मर्जी चाहे इतनी सी भी हो भेज दो, मैंने भेज दी। इससे लंबी तो चार्जर की तार होती है, लंबी तो चार्जर का हाँ। अटैच कर सिर्फ 2 मीटर की एक्सटेंशन, सिर्फ 2 मीटर की। मम्मा 2 मीटर नहीं है ये, हाँ। ये 10 सेंटीमीटर है। आई अल्लाह, 1000 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं। अबे का पेपर चेक करते हैं, अबे के मार्क्स कितने हैं? ये किसी और के हैं सही में। मेरा बड़ा गंदा ना मैं दिखा। अच्छा, राइटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन मार्क्स नहीं अच्छा। दिखाओ दिखाओ, सारी क्लास गंदे हैं। दिखाओ, किसी के 12, किसी के 13, कितने हैं? 6। इसके 30 में से 6 राबिया। आंटा मार दिया। क्या लिख के आई हो यार? सारा सही है सर ने कहा, अब इररिलेवेंट लिखा हुआ है आपने। मैं देखो कितना नीट करके पूरा लिख के आई थी, फेल कर दिया सर ने।
अब तुमने सारे क्लास के पेपर अंदर रखे हुए हैं। हाँ वो बच्चे छोड़ जाते हैं, मैंने पकड़ लिए। जिसको टेस्ट पेपर्स जो बच्चे छोड़ जाते हैं वो राबिया पकड़ लेती है, क्योंकि राबिया पार्ट टाइम रद्दी बेचती है, ठीक है, और उससे जो पैसे आते हैं वो राबिया उसकी चीजियां खाती है। पैसा मिलता है रद्दी बेच। हाँ ठीक है, दो पेपर से तुम्हें कितना एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है? दो रुपए की कीमत थी, क्लियर आ जाती थी 2 रुपए की। अब 5। एक टाइम था मैं और फातिमा हम लोगों ने बहुत रद्दी इकट्ठी करी हुई है, इतनी ज्यादा। हम बहुत छोटे थे और उस वक्त आलू चने मिलते थे, दो बुक्स देके, नई बुक्स देके मैं आलू चने लेकर आई और मम्मा से इतनी फेंटी पड़ी कि नहीं तुम्हारी साहब की बुक है, पापा पैसे नहीं, तुम किताबें बेचने चली गई हो, ये हमारी कौम का हाल है। किस किस ने किया जरा कॉमेंट बॉक्स में बताना। अभी खैर मैं बड़ा थक गई हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। हम चलते हैं वापस अपने कमरे में ऊपर, लास्ट को होते हैं लास्ट को। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का दिन, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे जरूरत है रेस्ट की, मैं सुकून से करूंगी रेस्ट। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।